मनप्रीत ने सरपंच से दरखास्त की है कि औरतों को वोट करने का अधिकार मिले। पता करो क्या कर रहे, कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे। उन लोगों के लिए ना हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो भरोसेमंद हो। तुमने सिर्फ चुनाव का पर्चा भरा या फिर जीतने का कोई प्लान भी है? मेरे पास एक योजना है। अब रोहन बनेगा हमारा कबूतर, जो राज और प्रीत की सारी बातें उनसे भी पहले हम तक पहुंचाएगा। सिमरन को पाने की चाहत में रोहन बन जाएगा प्रीत के खिलाफ चली चंदर की चाल का मोहरा। मैं तुझे पुरानी कोठरी के पास मिलता हूँ। ठीक है प्रीत, तेरा देखना पीछे के टायर्स में हवा कम है क्या? अब मैं राज और बाकी औरतों को गलत एड्रेस पर भेज देता हूँ, फिर चंदर का प्लान कामयाब है और प्रीत की बदनामी के लिए चलेगा चंदर अपना खिलौना खेल। काम हो गया, बहुत बढ़िया। इन विपरीत परिस्थितियों को कैसे हरा पाएगी प्रीत? नाक कटवा दी इसने सबके सामने, रात भर मुंह काला किया। जानने के लिए देखिए। अब तक जो बात पहुंची है वो सही नहीं है, वो सब झूठ है। मम्मी आप सुन रही है ना मेरे, क्या कर रही है आप? देख अपनी आंखें खोल कर सच्चाई, ये आस्तीन का सांप है जो तूने पाल रखा है। इसका प्लान है प्रीत, जीतना तो दूर, तू किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहेगी। ये तेरी इज्जत नीलाम करना चाहता है, ये राज इस पिंड पर राज करना चाहता है। आज एक मौत देह देह। राज बाजवा, मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। किस जुर्म के लिए आप राज को गिरफ्तार करने आए हैं? उगवाल के सरपंच का खून किया है इसने। ले चलो इन्हें। ये सब क्या कर रहे हैं? क्या इस बैठ के साथ प्रीत? राज, कल का इलेक्शन तुझे जीतना है प्रीत। मुझे पूरा यकीन है सरपंच जी कि ये जो कुछ भी हुआ इस सब के पीछे उस कमीने चंदर का हाथ है, क्योंकि वो कमीना चंदर ही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। सरपंच की जगह पाने के लिए और प्रीत के दावेदारी को कमजोर करने के लिए ये कमीना चंदर कुछ भी कर सकता है। मैं जानता हूं सरपंच जी, क्या हुआ सरपंच जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये पेपर तो घर पर भूल गया था, दोनों पेपर्स पर साइन लेने। हाँ ठीक है। प्रीत बेटा मुझे माफ कर दो। नहीं सरपंच जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मेरे वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ना बेटा ना, ना तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। भला बेटियां कभी अपने बाप से माफी मांगती हैं? प्रीत बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है बेटा। सरपंच जी ये औरतों के वोटिंग वाले आदेश के कागज हैं, इस पर आपके साइन चाहिए। जी वो साइन कीजिए। सरपंच जी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ।
मम्मी जी आपका ये उम्मीद भर देते ना मुझे कि मैं आपका विश्वास जीत सकता हूं। मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब बड़ों का साया बच्चों के सर पर होता है ना, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी मुसीबत हो चुटकी में हल हो जाती। मुझे तेरे सच का तो पता नहीं राज, लेकिन रोहन ने कहा है ये सारी चाल बाजवाओं की है। रोहन वीर जी? नहीं मम्मी जी, आपने आपने ये कहां सुना और कब सुना? ऐसा नहीं हो सकता। अभी चंद्र के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, सारा सच पता चल गया। राज, ये बात जानती थी मैं। मम्मी, आपको भी गलत खबर मिली है। राज, तू परेशान ना हो इसलिए मैंने तुझसे छुपाए रखा, लेकिन मैंने खुद उसकी तफ्तीश की। मुझे लगता है रोहन वीर जी को चंद्र ने बहकाया है। याद है राज, उस दिन तू गलत पते पर पहुंचा था, मेरे फोन से तुझे गलत मैसेज पहुंचा था। शायद मुझे लगता है रोहन वीर जी ने चोरी से मेरे फोन से तुझे वो मैसेज किया है ताकि तू सही पते पर ना पहुंच पाए। ये वक्त दुखी या नाराज होने का नहीं है। मैंने फोन किया था मम्मी जी को, उन्होंने बताया कि रोहन वीर जी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं, मगर मुझे लगता है ये बात झूठ है। रोहन वीर जी ऐसे वक्त पर कहीं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकते। मुझे लगता है वो जरूर किसी परेशानी में है। रोहन वीर जी को भी बताना पड़ेगा और चंद्र को भी बेनकाब करना होगा सबके सामने। सरपंच का भूत आएगा भी तो आपके पास क्या करने आएगा? आपने मारा उसे? वो भी मारा तो मैं उन्हें। चलो सो जाओ। मैं तो इस कमरे से नहीं जाना, बैठा हूँ यहीं। जब वो आएगा तो वो मुझे सताने आएगा, आपको क्यों आएगा सताने? वो भी मारा तो मैं उन्हें। गोकुल बरसाना के साथ साथ ब्रजमंडल के सभी गांवों में माखन की चोरी से हतप्रभ हो जाते हैं ब्रजवासी। कि माखन चुराने वाला कोई एक नहीं बल्कि संपूर्ण टोली है और वो संपूर्ण योजना के साथ गोकुल आए थे। ये कोई साधारण घटना नहीं है अपितु षड्यंत्र है। ऐसा षड्यंत्र कौन करेगा? स्वयं कंस। हमें किसी भी संकट के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। मैं भगवान हूँ और भगवान को भय नहीं लगता। गोकुल में बहुत बड़ा अनर्थ घटने जा रहा है काना। कल रात ससुर एक आतंकवादी जेल से फरार हो गया। जब तक ऐसे निजहवर खोर महकमे में रहेंगे ऐसी वारदात होती रहेंगी। अबे हम सारे वो आतंकवादी को दबोच लेंगे फिर तुमसे बात करेंगे। भगवती जी, आज रात हम आपके कमरे में आतंकवादी बन के घुसेंगे। मैं इस तिवारी का ऐसा बैंड बजाऊंगा
आपकी यह जिंदगी भर याद रखेगा। यार कौन है सकतो है? आतंकवादी होगा और कौन होगा? चुपचाप जाते हैं और सारे को पीछे से जाकर दबोच लेते हैं। अरे दादा, अरे दादा। अकेले क्यों आई हो? दामाद जी कहाँ? एक और विनती है माता रानी, हमारे पाँव का जो दूसरा काटा है ना, उसको भी जल्द से जल्द जो है वो निकाल बाहर कीजिए। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है भगवान को घूस देकर आपके सारे पाप धुल जाएंगे? क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? समस्या तो बहुत बड़ी है भाई, मेरे गुरुजी और उनकी प्रिय शिष्य के पास ले देके दो तीन दिन ही है बस। तू दिल लगा के प्रैक्टिस कर। जी जान लगा दे, क्योंकि जैसे ही बड़ो अपना मुकाबला हारेगी तेरा तो कुश्ती के साथ नाता टूट जाएगा और तू हो जाएगा इस अखाड़े से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। इस दाव से तो बड़ों को लेने के देने पड़ जाएंगे, और अगर ऐसे में साइड लॉक बड़ों का तोड़ दिया तो बड़ों तो हार जाएगी।